Assalam o Alaikum, welcome to our online classes from Civil Arts Education System. Today I am going to record a lecture for class 5. This is lecture number 3, unit number 1, which is installation of Windows XP. आपने अपनी प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो पढ़ लिए हैं. लास्ट हमने प्रोसीजर पढ़ा था वो था विंडो की फाइल को कॉपी करने का. अब उसके बाद जब आपकी फाइल्स कॉपी हो जाती हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसीजर है, फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड यू कैन यूज योर माउस. विंडोज एक्सपी सेटअप विजार्ड विल गाइड यू थ्रू द सेटअप प्रोसेस टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर. अब इसके बाद जो नेक्स्ट जितने भी आप स्टेप्स करेंगे, सब में आप जो माउस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस सब प्रोसेस के अंदर अब आपके पास विंडोज एक्सपी सेटअप विजार्ड है जो आपको हेल्प आउट करता है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें अबाउट योर कंप्यूटर. नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर 14 है, इवेंचुअली द रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन पेज जो है वो आपके पास अपेयर होता है. अब इस तरह का पेज जो है वो आपकी स्क्रीन पे अपेयर होता है, जिसको हम कहते हैं रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन. अब इसमें दो तरह के ऑप्शन आपके पास शो होते हैं, एक होता है आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन, एक होता है आपके पास डिटेल्स का ऑप्शन. अब इस प्रोसेस के दौरान आपके पास जो कस्टमाइज का प्रोसेस है उसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई नई सेटिंग जो है उसमें आप करना चाह रहे हैं. और नीचे जो डिफॉल्ट का आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी कि जो विंडोज़ की अपनी सेटिंग है, आप उसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं. और इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का बटन जो है वो आप प्रेस करेंगे. नेक्स्ट जो है आपके पास ऑन द पर्सनलाइज योर सॉफ्टवेयर पेज, टाइप योर नेम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड क्लिक नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ई पेज अपीयर्स. अब उसके बाद आपके पास इस तरह की जो स्क्रीन है वो अपेयर होती है नेक्स्ट करने के बाद, जिस पे आपके पास दो तरह की बार्स दी हुई हैं. पहली बार में आपको दिया हुआ नेम, अब आप अपने नेम जो है कोई भी आप नेम लिख सकते हैं या तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख सकते हैं. सपोज़ कि अगर आपका नाम अली है तो आप नेम में अपना नाम लिखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं अपना, या कोई और नेम जो है जो भी आपको पसंद हो, एडमिन कुछ भी लिख सकते हैं. उसके बाद आप नेक्स्ट का जो नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आपने उसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है. नेक्स्ट जो आपके पास है, टाइप योर प्रोडक्ट की एज इट अपीयर्स ऑन योर विंडोज एक्सपी सीडी केस, देन क्लिक नेक्स्ट. अब आपको शुरू में बताया था कि प्रोडक्ट की क्या है और कहाँ होती है. प्रोडक्ट की आपकी जो सीडी का कवर है उसकी बैक साइड पे रिटर्न फॉर्म में मौजूद होता है, जो आपको अब यहाँ पे जरूरत है ताकि आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो. इसके बगैर आपकी विंडोज जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी. अब इस तरह की स्क्रीन जो है वो आपकी शो होती है, जिसके अंदर ये कुछ रेक्टेंगल्स वाइट से शो हो रहे होंगे आपको. इसके अंदर आप जो है वो प्रोडक्ट की या सीरियल नंबर भी इसको कहते हैं आप लिखेंगे, और उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे. इस तरह की जो है वो प्रोडक्ट की आपको आपकी सीडी की कवर पे लिखी हुई होगी. आपने इसको वन बाय वन यहाँ पे बहुत केयरफुली नोट करना है. उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे. टाइप द कंप्यूटर नेम यू डिजायर इन द कंप्यूटर नेम एरिया, देन टाइप द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट यू कैन रिमेंबर इन द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बॉक्स. उसके बाद अब आप अपने कंप्यूटर का कोई भी नेम जो है जो आप चाहते हैं लिखना, आप लिख सकते हैं. आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है वो कोई फ़ोन नंबर है, लेकिन आप इसमें कुछ और लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो. सपोज आप एडमिन लिख सकते हैं इसमें, और या यूज़र लिख सकते हैं, कुछ भी नेम यहाँ पर लिख सकते हैं. उसके बाद नीचे दो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं वाइट, इसमें आप लिखेंगे पासवर्ड. फर्स्ट बॉक्सेस में आप कोई भी पासवर्ड लिखेंगे, और फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए इधर आप फिर दोबारा से नीचे लिखेंगे ताकि वो कंफर्म हो जाए, और फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे. डेट एंड टाइम सेटिंग पेज अपीयर्स, एंटर द करेक्ट डेट एंड टाइम, द क्लिक द टाइम जोन डाउन एरो एंड सेलेक्ट योर टाइम जोन एंड क्लिक नाउ. अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन अपेयर होगी वो है टाइम एंड डेट सेटिंग की, जो कि इस तरह की होगी. इसमें आपने टाइम को और डेट को सेट करना है. उसके बाद जो नीचे टाइम जोन है, इसमें आपने अपनी कंट्री का टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपका जो कंप्यूटर की टाइमिंग है वो सही रहे. उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे. ऑन द नेटवर्किंग सेटिंग पेज चूज योर सेटिंग टाइप, इट इज़ बेटर टू चूज टिपिकल सेटिंग देन क्लिक नेक्स्ट. अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वो है नेटवर्क सेटिंग का.
जिससे आप की चॉइस से आप सेटिंग को अभी करना चाहते हैं या बाद के लिए आप इसको छोड़ देना चाहते हैं, तो आप अगर अभी इसको नहीं करना चाहते तो आप टिपिकल सेटिंग का ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे और नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, दो तरह के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक है टिपिकल सेटिंग और एक है कस्टम सेटिंग। टिपिकल सेटिंग मतलब कि जो भी ऑलरेडी विंडो में मौजूद सेटिंग है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और कस्टम सेटिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई नई सेटिंग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। आप टिपिकल सेटिंग को चूज़ करेंगे और नेक्स्ट का बटन जो है वो क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।